रहीम यार वो मार्कर्स मेरे। अच्छा जी, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट अटेम्प्ट में ग्रुप ए के पेपर्स दिए थे और अब ग्रुप बी में आप लोग कंटिन्यू करो? कितने लोग ऐसे हैं जो ग्रुप बी के कुछ पर्चे दिए थे और अब ग्रुप बी के रिमेनिंग पेपर्स दे रहे हैं? चले जी, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, आज की क्लास के तीन एजेंडा है हमारे इंशाल्लाह। पहला जो एजेंडा है वो इस सब्जेक्ट के बारे में, कि सब्जेक्ट कैसा है, क्या है, इसके कुछ पास्ट पेपर के एनालिसिस हमने देखना है। और दूसरा जो एजेंडा है वो हमने इंशाल्लाह आज की क्लास में एक एक टॉपिक स्टार्ट करना है, सही है ना? तो ये सारा काम मिला जुला के इंशाल्लाह आधे घंटे में हो जाएगा। मतलब आधे घंटे में हम एक पास्ट पेपर का ट्रेंड देख लेंगे, क्या है ये सब्जेक्ट, क्या है, पहले दिन हमें पता होना चाहिए क्या ये सब्जेक्ट है क्या, सही है ना? और नॉर्मली एज कम्पेयर टू अदर पेपर इसका रिजल्ट थोड़ा सा खराब रहता है। कुछ परसेप्शन आप लोगों के होंगे कि यार आप लोग इस सब्जेक्ट पर से आप लोग क्या समझते हो इस सब्जेक्ट के बारे में? जी लेंदी बहुत है। और इसके अलावा हाजी सॉरी केस स्टडीज वगैरह बहुत होती है, टेक्निकल पेपर। और इसके अलावा मेरे भाई थ्योरेटिकल, ये सबसे बड़ा मसला है। द सब्जेक्ट इज नॉट थ्योरेटिकल, ये तो पहला अपना एक माइंडसेट हमने आज की क्लास में चेंज करना पड़ेगा कि ये आपका पेपर एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। और अगर हम इंशाल्लाह परसेप्शन चेंज कर लेंगे आज की क्लास में इंशाल्लाह, तो फिर वो जो अगले 4-5 महीने हमने मेहनत करनी है वो अच्छी हो जाएगी। मैं थोड़ा सा अपना एक एक तारुफ कराता हूँ आपको। मेरा नाम इब्राहिम है और मैं कराची का रिहायशी हूँ। इब्तदाई तालीम मैंने आगा खान स्कूल से हासिल की थी और जदीद तालीम हासिल करने के लिए मैं सीए करने गया हूँ। और उस जदीद तालीम के चक्कर में बड़ा जलील हुआ, कितना जलील हुआ उसके ऊपर एक पूरा 10 मिनट का सेशन होगा आज की क्लास में इंशाल्लाह। और वो एक म्यूचुअल इंटरेस्ट है ना, बिकॉज आप भी जलील होते रहते हैं इसमें, हम भी, तो वो एक म्यूचुअल इंटरेस्ट है, तो वो उसमें बड़ा मजा आएगा, सही है? लेकिन आफ्टर ऑल दिस जलालत 2006 में मैंने अपनी सी ए की जर्नी स्टार्ट की। 2009 में बड़ी मुश्किल से मेरा एक ऑडिट फर्म में हुआ, बड़ी मुश्किल से एलिजिबल से पिछले टाइम के लिए था, नहीं हो सका। और बड़ी मुश्किल से ऑडिट फर्म में 2009 से लेके 2022 जो भी चल रहा है, मैं अभी तक डेलॉयट विच इज नाउ यूसुफ आदिल उसके साथ एसोसिएटेड हूँ और करंटली एज अ डायरेक्टर ऑडिट एंड एश्योरेंस सेक्शन में काम कर रहा हूँ। 2013 में मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बना और 2013 से अब आई थिंक 8-9 साल हो चुके हैं इंशाल्लाह। अगले साल एफसीए का लकब मिल जाएगा। और इस पूरी सीए की जर्नी में और स्पेशली जो फर्म वाली जर्नी थी, तो कराची में हमारे पास मैंने सिर्फ बस बाय द वे मैंने अच्छा ये जो एक चीज बता रहा हूँ ये पहला रुख है, सही, उसका दूसरा रुख भी आएगा जो जो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। कराची के अलावा मैंने कतर में भी काम किया है, डेलॉयट कतर में भी काम किया है, मिडिल ईस्ट में डेलॉयट की जितनी भी ऑडिट फर्म्स हैं उनके साथ काम किया है। मैंने डेलॉयट लंदन ऑफिस में भी एज अ मैनेजेरियल लेवल अल्हम्दुलिल्लाह काम किया हुआ है। जिस तरह हम ऑडिट क्लाइंट्स का करते हैं, हमारा भी ऑडिट होता है। हमारा ऑडिट से समझते हैं कि जी वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी आके चेक करती है कि आपने ऑडिट सही किया भी है या फिर नहीं किया। तो फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म ऑफ डेलॉयट आई वॉज द यंगेस्ट जिसको ये एहसास हासिल हुआ था कि मैं दूसरी ऑडिट फर्म्स का जाके, डेलॉयट के जो बाकी नेटवर्क फर्म्स है, दूसरी ऑडिट फर्म्स होती थी उनका जाके उनकी फाइल्स को रिव्यू करता था कि क्या इन्होंने सही ऑडिट किया भी है कि नहीं। तो इसलिए मैं डेलॉयट इंडोनेशिया की एक ऑडिट फर्म थी उनकी फाइल्स का मैंने ऑडिट किया था कि जी क्या उन्होंने डेलॉयट की मेथोडोलॉजी के हिसाब से और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग के हिसाब से ऑडिट किया भी है। जिस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बनते हैं, इस तरह ऑडिट भी किसके हिसाब से होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑन ऑडिटिंग। तो वो चीज भी प्लस, चूंकि हम डेलॉयट का जब पार्ट थे तो डेलॉयट की ठीक ठाक मेथोडोलॉजीज आती थी, चीजें आती थी। तो मैं डेलॉयट की तरफ से लर्निंग लीडर था पाकिस्तान ऑफिस में, जिसमें ट्रेनिंग्स वगैरह लेने के लिए मैं बाहर जा रहा होता था और वहां से ट्रेनिंग लेके फिर पाकिस्तान ऑफिसेस में ट्रेनिंग कर रहा होता था। ऑडिट के अखबार से बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी बड़े क्लाइंट्स हमारे पास होते थे, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं इन्वॉल्व रहा हूँ, चाहे वो स्विस साउथर्न गैस कंपनी हो, एसएसजीसी हो, जो कि 2 सूबों को गैस प्रोवाइड करती है, चाहे वो कराची पोर्ट
ट्रस्ट हो जो कि पाकिस्तान का वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट है अनलेस गवादर पोर्ट इंशाल्लाह जब आ जाएगा। इसके अलावा पीएनजी, जिलेट, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जिसकी बैलेंस शीट फुटिंग सिर्फ 5 ट्रिलियन की है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका ऑडिट कर रहा हूँ। इसके अलावा चाइना बैंक है उसका ऑडिट कर रहा हूँ, बहुत से एएमसी म्यूचुअल फंड्स है उनका ऑडिट किया हुआ है, और इसके अलावा जेएस का नाम सुना है जहांगीर सिद्दीकी, तो वो जेएस ग्रुप पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा ग्रुप है ना, उसकी कोई 10 सब्सिडरीज है, एक सब्सिडरी यूके में, यूके की एक और सब्सिडरी यूएस में, तो पाकिस्तान एक वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप था अल्हम्दुलिल्लाह, उसका भी ऑडिट किया है, कंसोलिडेशन वगैरह भी की है, तो एक ऑडिट का एक ठीक ठाक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ये कि एक रुख है, ठीक है ना। जो दूसरा रुख है वो ये है मेरे प्यारे बच्चों, आई थिंक आई वॉज इन मॉड्यूल बी में था या शायद मॉड्यूलर सिस्टम होते थे, तो मॉड्यूल ए में दो ही सब्जेक्ट होते थे, इंग्लिश एंड एंड ट्यूटिंग, तो उस वक्त शायद इंटर के रिजल्ट्स वगैरह लेट हो गए थे, मैं मॉड्यूल बी में था, रिजल्ट आने वाला था मॉड्यूल ए का, और आई वाज फेल इन इंटर, इंटर में फेल था। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री कभी जिंदगी में समझ में नहीं आया मुझे, आज तक ये फर्क समझ नहीं आया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्क क्या होता है, ये मुझे आज तक नहीं समझा। फिजिक्स थोड़ी बहुत आती थी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हाफ एम बी स्क्वायर, एम जी एच, ये खुलता रहेगा, खैर है, तो ये थोड़ा बहुत मुझे केमिस्ट्री फिजिक्स इतनी भी खास नहीं आती थी। जाहिर सी बात है, जब आपका फिर एक ही सब्जेक्ट बचा जो मैथ्स बचा, तो फिर आप किस तरफ आ जाते हो, इस तरफ आते हो, जब थोड़ा बहुत मैथ्स अच्छा होता है सीए की तरफ आ जाते, सीए की तरफ इसलिए गया बिकॉज बाकी किसी ने मुंह नहीं लगाया, एनईटी से तो गुजर ही नहीं सकते थे, यूनिवर्सिटी रोड से तो गुजरना हमारे लिए आराम होता था क्योंकि वहां की एनईटी बड़ा नाम होता था, लेकिन उस जमाने में पता नहीं था नहीं था, अदरवाइज उधर ही होते शायद। तो अच्छा, और इंटर में फेल हो गया, और फेल भी किसमें हुआ, मैथ्स में। मैंने कहा यार ना फिजिक्स आती है ना केमिस्ट्री आती है ना मैथ्स आती है, मैथ्स में इंटर के फेल है, तो अब सीए करें कैसे ना, तो अब अच्छा फेल इस तरीके से हुए कि अल्लाह ने ये कर्म कर लिया कि मेरी जो परसेंटेज का एंट्री टेस्ट देना है कि मैं और कितने नंबर से रह गया था, कि अगर एक नंबर कम आता तो मैं बैठ के पीछे आ चुका हूं, तो वो वाला दौर भी देखा कि यार खुदा ना खास अगर एक नंबर कम आ जाता तो वो तो सीए के लिए एलिजिबल नहीं हो, आपने तो सीए के लिए एक एंट्री टेस्ट देना पड़ेगा। खैर मैथ्स में फेल हो गए, तो हमने कहा चलो थोड़ी बहुत अकाउंटिंग आती है, डर लगता था, साथ में बीकॉम के लिए भी गए, मजे की बात ये है बीकॉम के अकाउंटिंग में भी फेल हो गए। मैं आपसे कह रहा हूँ ये म्यूचुअल इंटरेस्ट वाली बात है, इसको आप एंजॉय करेंगे ना, तो बीकॉम की अकाउंटिंग में भी फेल हो गए। अब अपना मैथ्स आती है ना, फिजिक्स आती है ना, केमिस्ट्री आती है, और बीकॉम की अकाउंटिंग में आप फेल हो रहे हैं ना, तो बड़ा एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन ना कि अब जिंदगी में करना क्या। खैर चलते 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 किसी तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, तो बन गए, फर्म में भी हो गया, काम भी कर लिया, लेकिन डेफर टैक्स पढ़ा है आप लोगों ने कुछ, डेफर टैक्स में कॉन्सेप्ट है ना कि एक डिफरेंस है, या तो वो टाइमिंग डिफरेंस है या वो परमानेंट डिफरेंस है। ये जितने डिफरेंसेस थे मेरी जिंदगी में सारे के सारे टाइमिंग डिफरेंस थे, मतलब ये एक वक्त आएगा ये सेटल्ड हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। जी ताहिर साहब, अमन है, फेलियर वापस से रिपीट करो, ये तो जिंदगी में ना करूं मैं। हाँ ऑनलाइन वाले क्लियर है मेरे भाई, यहाँ पे है चैट, यहाँ पे जूम लॉगिन हुआ है, यहाँ पे जूम लॉगिन करते हैं अब्दुल रहीम साहब। अच्छा चले जी आ जाए, प्यारे बच्चों जिंदगी का एक ये रुख भी है, मतलब मैं एक बिलो एवरेज निकम्मा स्टूडेंट हुआ करता था, मेजोरिटी ऐसे ही, आप में से भी कितने ऐसे होंगे जिनका एनईडी, ऐसा नहीं है कोई कि आईबीए में हो गया है एनईडी में हुआ है और यहाँ बैठ के सीए में खुआर हो रहा है, ऐसा आप में से कोई आप है, एक्सेप्शन तो खैर हर जगह होता है ना। सही है ना, तो द रीजन इज बच्चों अब मेरी बात सुनिएगा, हम
मैं अभी एक लास्ट वीक है ना हमारा शायद एक ओरिएंटेशन सेशन हुआ, तो उसमें मैंने पूछा वो फॉर्म वगैरह की चीजें बतानी थी, तो उसमें मैंने कहा कि यार आप में से कितने लोग बाहर जाना चाहते हैं ना, जेब में 100 रुपए नहीं है, सबने हाथ उठाया है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं। मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये कितनी एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपके मुल्क का जो एक असासा है, जो हम यंगस्टर्स हैं, मैं तो नहीं खैर आप लोग, तो वो लोग सारा का सारा ये मुल्क छोड़ के बाहर जाना चाह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिल्कुल ही ना, आप गाड़ी चला के आओ रोड पे इतने खड्डे, हाँ कमर का दर्द, हर 5 में से 4 बंदे को या तो टैंगी है या जेन्युइन कमर का दर्द है। सही है, ठीक है। अब ये अब इस तरह, अब बच्चों मेरी बात सुनिएगा, अब बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये वो रीजन है जिसकी वजह से मैं आप यूं समझ लें कि मैं टीचिंग में आया हूँ। टीचिंग में अगर आया हूँ और अगर एक इतना बड़ा प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेके बैठा हूँ और फर्म में अल्हम्दुलिल्लाह नाम है, अगले 2-3 साल में पार्टनर बन रहा है इंशाल्लाह, और उसके बावजूद अगर मैं यहाँ पे टीचिंग के लिए आया हूँ, कई सालों से टीचिंग के लिए आया हूँ, उसका एक रीजन है, और उसका रीजन ये कि बिकॉज मुझे पता है कि इस रूम में भी पता नहीं कितने ऐसे ब्रांड बैठे हुए होंगे, कितने ऐसे लोग होंगे जो बिलो एवरेज होंगे। बिलो एवरेज का कतई ये मतलब नहीं है कि आप लोग निकम्मे हैं, शायद आपको वो प्लेइंग लेवल नहीं मिली होगी, वो प्लेइंग फील्ड नहीं मिली होगी जो बाकी को मिली होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बताता हूँ, मैंने आखिर स्कूल से स्कूलिंग करी तो मुझे जाना कहा था आगा खान कॉलेज इज वन ऑफ द टॉप कॉलेज ऑफ कराची ना, बड़ा जबरदस्त। द रीजन, हाँ जी कुछ कह रहे हो दोस्त, जोर से बोलो यार, बोला जोर से, ये नहीं काम वगैरह मैंने पक्का। अच्छा, तो आगन कॉलेज तो वो उस जमाने में कोई 10-15 हजार रुपए फीस आगन कॉलेज की, अब आप ये कितने, 5 है लास्ट ईयर 12.5 हजार रुपए, उस वक्त 7-8 हजार 6 हजार, वाले साहब 20 हजार रुपए कमाते हैं और मैं 35% जाके कॉलेज में जमा कर रहा था, तो वो जमीर चाहते, तो आप समझे कि जब मैं सीए में मेरा एडमिशन लिया तो आप समझे मैं मैट्रिक के बाद सीए में गया, और आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो कि गवर्नमेंट कॉलेज के पढ़े होंगे, उनको वो प्लेइंग लेवल नहीं मिली जो जिसने ओए लेवल से या किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा होगा, तो आप निकम्मे नहीं है। द रीजन इज आपको शायद वो माहौल नहीं मिला, वो फैसिलिटी नहीं मिली, और हर कोई एक जैसा नहीं होता। मैंने हमेशा ये देखा है कि जो स्ट्रगलिंग फेज से गुजर के आता है वो ज्यादा सक्सेस कर लेता है, बिकॉज उसको पता होता है वो किस माइंडसेट से आ रहा है। अच्छा, तो मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में लिया और मैं जिंदगी में 2 बार गया हूँ एडमिट कार्ड लेने के लिए, तो आप इस चीज से अंदाजा लगाएं, कि यार मतलब मैंने तो अपनी 2 साल कॉलेज ही नहीं गया, मैं अब कॉलेज में नहीं गया, जब सीए करने आए स्कूल में इंस्टीट्यूट में जब गए तो यहाँ सीधे हाथ में ओ लेवल वाला, यहाँ पे आदम जी का लौंडा बैठा है, बराबर में आ खान कॉलेज का लौंडा बैठा हुआ है, कॉमिक्स का लौंडा बैठा हुआ है, और आप बैठ के कह रहे हो यार, वो पहला सवाल ही होता था क्या कौन से कॉलेज, परसेंटेज बोलते हुए भी शर्म आए, और कॉलेज अच्छा ये इसके बावजूद सीए में आए प्यारे बच्चों। मॉड्यूल ए में 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे, इंग्लिश एंड क्यूटी, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे 16 साल अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ा, सही है, और मैं पहली अटेम्प्ट में इंग्लिश में फेल हो गया। अब आप इस चीज से अंदाजा लगाएं कि मेरे खानदान वालों ने मेरा क्या बेड़ा गर्क किया होगा कि बाप ने 16 साल कौन से स्कूल में पढ़ाया, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाया, और लौंडा फेल हो गया, किसमें फेल हो गया, इंग्लिश में फेल हो गया, मुझे इंग्लिश आज तक समझ ही नहीं आती थी, क्या सीखने का पढ़ाते थे कुछ एक अल्फाज जो समझ में आए, नहीं बस ये लिखना है, वोकैबुलरी है, ये याद कर लो, मुझे पढ़ाई नहीं, मैं याद क्यों करूँ, मेरा ये सवाल होता था कि मैं याद क्यों करूँ, फायदा क्या है इस चीज का, मतलब मैं क्यों याद करूँ इस चीज को, तो फेल होना सर में कोई लॉजिक आप मुझे एक्सप्लेन करें, कोई चीज मुझे पर्पस बताए इसका, क्योंकि मैं भुगत चुका हूँ वो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ के, मुझे आज तक नहीं पता चला कि मैं पढ़ता क्यों था, मुझे बस जिंदगी में अगर कोई अपनी स्कूलिंग का एक चीज याद है तो वो ये याद है सिंस शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम, उसके अलावा मुझे खुदा की कसम अपनी स्कूलिंग का एक अल्फाज याद है, सही है, और वो सिंधी में एक टॉपिक हुआ करते थे माए खैरी वगैरह के, आप लोगों ने पढ़े हुए वो माए खैरी वगैरह, ही बोल रहा है, ही बोल रही है, बस ये, इसके अलावा मुझे अपनी स्कूलिंग का एक अल्फाज याद नहीं है, सही है। तो अब आप सोचे, अच्छा फिर अगली अटैम्प में मॉड्यूल बी के 3 सब्जेक्ट उठाए, कौन कौन से, लॉ, इको, अकाउंटिंग और क्यूट, इंग्लिश जो फेल हो गया था उसको बताओ कितने सब्जेक्ट हो गए, मजे की बात ये है ये तीनों फेल हो गए और ये पास हो गया इंग्लिश, और ये भी खुदा की कसम कैसे पास हुआ मुझे नहीं पता, आज तक
समझे, मैंने अपनी जिंदगी के एक साल में सिर्फ 2 पर्चे पास किए, कौन से? क्यूटी एंड इंग्लिश, और मॉड्यूल बी में मैं लैब्स, लैब्स आप लोगों को बट पता है लैब्स, अच्छा लैब्स का भी एक जलील वर्ड होता था बैड लैब्स, मतलब अगर आपके 35 से 49 के दरमियान मार्क्स है तो यू वुड बी कॉल्ड रेफर्ड, क्या आप ये पेपर वापस से रेफर करें, अगर आपके 25 से 35 नंबर तक मार्क्स आए तो इट मींस यू हैव गॉट लैब्स, और लैब्स का मतलब ये था कि भाई बहुत ही घिरे हुए हो, थोड़ी और मेहनत करनी है, 25 से भी कम आए बैड लैब्स बैड फेलियर, मैंने कहा यार अब मैं बैठ के ये सोच रहा हूँ किस कमबख्त ने मुझे 15 मार्क्स दिए किसमें, करके तो 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट आया हूं और ये इसने 15 मार्क्स दिए किसमें, ये समझ नहीं आ रहा, ये टेंशन होना स्टार्ट हो गई 15 मार्क्स कहां दिए यार इसका, अच्छा ये चीज फाइनल में भी हुई थी हमारे साथ, तो यार बच्चों सुनने की कोशिश करिए और बड़े बड़े गौर से सुनने की कोशिश करिए, जिस तरह आप में से कितने लोग ईमानदारी से बाहर जाना चाहते हैं, लंदन, US, बिल्कुल खुद दिल खोल के हाथ उठाना है, मतलब ये नहीं है कि शर्माने वाले को, गलत बात थोड़ी है यार, आप सबका राइट है जाते हैं, आपसे यकीन करें, बट आपके पास कुछ ऐसा एक्सपोजर है कि बाहर वाले रखे आपको, ना क्वालिफिकेशन है, ना एक्सपीरियंस है, ना स्किल्स है, कोई ऐसी चीज है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये सारी चीज है ना, बट द रीजन इज मैं क्यों नहीं जा रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं जा रहा, हाँ टीचिंग में फंस चुका हूँ और बहुत बुरा फंस चुका हूँ, टीचिंग में अगर मैं आया हूँ तो इस रीजन की वजह से आया हूँ प्यारे बच्चों, कि जो कुछ मैंने फेस किया, जो कुछ मैंने ये रियलाइज किया, एटलीस्ट मुझ जैसे जितने इब्राहिम यहाँ बैठे हुए हैं या आगे आएंगे या पहले आ चुके, आप सोचे एक जमाना था जब एक नंबर के लिए मैं तरस रहा था और अगर एक नंबर मेरा कम आ जाता तो मुझे पता नहीं था कि मैं सीए करता नहीं करता, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हजारों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोड्यूस कर चुका हूं मैं, कैफ भी पढ़ाता हूं, सीएफए भी पढ़ाता हूं, एमएससी पढ़ाता हूं, तो ये जो जर्नी है मैं चाहता हूं ये सारी की सारी जर्नी किसकी हो, ये आप लोगों को भी है, सब्जेक्ट एक टीच कर रहा हूं ऑडिट और लॉ, इस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको पता है मेरा जो मैंने आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ किया, लेकिन इस सब्जेक्ट का एक और पर्पज है प्यारे बच्चों, ये जो मैंने सब्जेक्ट आपको टीच करना है ना, ये इंशाल्लाह चाहे गवर्नमेंट कॉलेज वाली स्कूलिंग हो, चाहे इंटर में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, या निकम्मे हो या बिलो एवरेज हो, आपको मैं एक चीज गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप मेरे साथ बैठ के इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, आपका एक शऊर पैदा हो जाएगा, और जब एक शऊर पैदा होगा एक इंटेलेक्चुअल लेवल पड़ेगा, ये सिर्फ आपको ऑडिट में हेल्प नहीं करेगा बल्कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स में इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको ये हेल्प कर रहा होगा, आपको एक पर्पस समझ में आ जाएगा कि सीए की क्वालिफिकेशन ये है क्या, क्या यहां तक बात समझ आती है, तो ये चीज, तो ये एक रीजन है टीचिंग करने का, सही है ना। अच्छा टीचिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है प्यारे बच्चों वो ये सब्जेक्ट के ऑडिट करना, सही, और ये ज़बानें हैं, हम सबको पता है ना ये अंग्रेजी का पर्चा नहीं है, ये ऑडिट और लॉ एक ज़बान है, हमने कोशिश करनी है, हमने ऑडिट और लॉ की इंशाल्लाह ज़बान सीखनी है, और जब ज़बान हम इंशाल्लाह सीख लेंगे आप यकीन करें आप एक हुनर सीख लेंगे, और जब आप एक हुनर सीख लेंगे प्यारे बच्चों ये चीज आपको जिंदगी भर काम करेगी, यहां तक बात समझ आती है। अच्छा हम एक काम ये करते हैं, इससे रिलेटेड कोई सवाल, अच्छा कोई सवाल, हम एक काम ये कर लेते हैं, हम थोड़ा सा इस सब्जेक्ट को देख लेते हैं कि सब्जेक्ट है क्या, ताकि अगले 15 मिनट में हमारे सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा परसेप्शन क्या हो जाए, थोड़ा सा परसेप्शन चेंज हो, तो 15 मिनट मुझे आपके और चाहिए होंगे, यार ये प्रोजेक्टर अगर आप लगा दे तो मेहरबानी, प्रोजेक्टर सिर्फ अगले 15 मिनट तक चलेगा, उसके बाद पूरे बैच में प्रोजेक्टर नहीं, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। जल्दी छेटी छेटी मेरे भाई टाइम लिए, थोड़ा सा अगर आप कॉम्प्रोमाइज करने सही है, कुछ बातें तो बता चुका हूँ, 2009 में डेलॉइट ज्वाइन करी थी, 2013 में क्वालिफाइड हुआ था, करंटली एज अ डायरेक्टर काम कर रहा हूँ, डेलॉइट लंदन और डेलॉइट कतर में भी काम किया हुआ है, कुछ फ्रॉड के असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं उसमें भी काम किया हुआ है, डेलॉइट की तरफ से लर्निंग लीडर था जिसके ऊपर मैंने बहुत सी ट्रेनिंग्स वगैरह कंडक्ट करी है, डेलॉइट की मेथोडोलॉजीज इंप्लीमेंट करी है, एफिलिएटेड सर्टिफाइड बाय डेलॉइट ग्लोबल एज अ ट्रेन दी ट्रेनर, ये खिताब मुझे हासिल था जिसके बेसिस पर डेलॉइट में कहीं भी जाके किसी भी टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए एलिजिबल होता था, तो डेलॉइट का एक कॉन्सेप्ट था कि जी अगर आपने ट्रेनिंग्स देनी है तो आपने सबसे पहले क्या लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग्स देनी पड़ेगी, कुछ डेमोस देने पड़ेंगे उसके बाद जाकर, तो उसके लिए मैं स्पेन बार्सिलोना गया था, वहां पर सारी चीजें मैंने हासिल की थी, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रिव्यूअर ऑफ वन ऑफ द डेलॉइट फर्म, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रिव्यूअर का मतलब कि मैं दूसरी ऑडिट फर्म्स का जाके रिव्यू कर रहा होता था कि वहां पे ऑडिट कैसा किया हुआ है उन्होंने,
प्लस डेलॉयट के ग्लोबल प्रैक्टिस रिव्यू में था टू कैरी आउट द प्रैक्टिस रिव्यू ऑफ इंटरनेशनल ऑडिट फर्म्स। कुछ की क्लाइंट्स ये बता चुका हूँ, नेशनल बैंक, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, एसएसजीसी, केपीटी, ओटसुका, एनबीपी के फंड्स, जेएस ग्रुप, ये डॉलमेन गए होंगे आप, क्रिप्टन वाले, हाइपरस्टार, यार ऐसे विंडो विंडो शॉपिंग के लिए गए होंगे, खरीदने के लिए तो नहीं जा सकते वहां पे, वहां गए होंगे। अच्छा जी, टीचिंग बैकग्राउंड कैफ, सीफैप, एमएसए, तीनों लेवल से पढ़ा रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, एक साल में माशाल्लाह 2000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाता हूँ, हर लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल और मेरिट सर्टिफिकेट आ चुके हैं, इसको भी स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चले आ जाएं, अब यहाँ से बातचीत स्टार्ट हो रही है। ये हमारा पास्ट ट्रेंड है, जल्दी छेती छेती, हमारा पास्ट ट्रेंड है किस चीज का, ये कैफ एड का पास्ट ट्रेंड है, इसको अगले 10 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास पास्ट ट्रेंड है। रिजल्ट क्या आता था, 54%, 36, 14, 29, 55, 21, 25, 41, 27, 41, 35, और पिछले एक अटेम्प्ट का रिजल्ट भी 30-35% में। अलार्मिंग सिचुएशन क्या हुई, ये जो आप डाउनफॉल देख रहे हैं, ये डाउनफॉल किस वजह से आया, या जो आप आगे भी अचानक से डाउनफॉल देखते हैं, वो डाउनफॉल किस वजह से आया, उसका बेसिक रीजन ये था कि उस अटेम्प्ट के बच्चों ने अपने जल्दी परसेप्शन को चेंज नहीं किया था, उन्होंने कहा यार ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, सिर्फ याद करने से ये पर्चा पास हो जाएगा, सिर्फ याद करने से ये पर्चा कभी जिंदगी में पास नहीं होगा, कहीं अगर सिर्फ याद करने से पर्चा पास होता तो फाइनल में ओपन बुक पॉलिसी नहीं होती, फाइनल में ओपन बुक पॉलिसी, क्या यहां तक बात समझ आती है। अच्छा, तो ये हमारे पास एक एक रिजल्ट है। अच्छा, ये 54 आप देख रहे हैं, ये बीकॉम का रिजल्ट नहीं है, 54% तो हमारे इंटर और बीकॉम का रिजल्ट नहीं, और ऑडिट जो कि कैप का सबसे आखिरी सब्जेक्ट है, वहां पर रिजल्ट कितना आ रहा है, 54%। रीजन क्या था बच्चों, अच्छा ये सीफ है, ये किसका है, सीफ, कैफ, सुनिएगा मेरी बात प्यारे बच्चों, खुदा का वास्ता, कैफ पास है, फर्म में फर्ग्यूसन, केपीएमजी, ईवाई, यूसुफ आदिल, जीटी, बीडीओ, वहां पे ऑडिट, फर्म में क्या कर रहे हो, ट्रेनिंग्स ले रहे हो, ऑडिट कर रहे हो, और रिजल्ट कितना आ रहा है, 13%, 14%, 11%, 12%, 21, 15, 25, 25, 21, और ये 13-14% वाले भी दिख रहे हैं, ये पहले अटेम्प्ट वाले नहीं है, जिनकी 5-6 अटेम्प्ट हो चुकी है वो इस अटेम्प्ट में आके पास हो रहे हैं, क्या यहां तक बात समझ आती है हमें, तो ये सीए, आप बस सोचे मेरी बात को कि यार मैं फर्म में बैठ के ऑडिट कर रहा हूं, एक डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और एमबीबीएस का पर्चा फेल कर रहा है, आई मीन क्या ये सेंस बनता है इस चीज का, किस चीज, सबसे बड़ा मसला हमारा ये है कि हमारी कैफ की टीचिंग सही नहीं होगी प्यारे बच्चों, ये सब्जेक्ट आपको आगे जाके, कितने लोग आगे जाके फर्म में ऑडिट एंड एश्योरेंस सेक्शन ज्वाइन करना चाहते हैं, रीजन है इसका, रीजन क्या है, एक सारी लड़बुई वाली बात है, इंटर इंजीनियरिंग से कर लो तो आगे जाके ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, दरवाजे में तो ऑडिट का भी ये फायदा होता है। अच्छा, ये हमारे पास सीफेप का रिजल्ट है, कुछ बातें कंपैरिजन अगर हम करें तो कंपैरेटिवली ऑडिट का जो रिजल्ट है वो FR2 कॉस्टिंग से कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम ही रहा है, कभी किसी अटेम्प्ट में ज्यादा रहा जब 55% रिजल्ट था, बट कंपैरेटिवली ऑडिट का रिजल्ट आपको ये ग्रीन लाइन ऑडिट शो कर रही है, ये ग्रीन लाइन ऑडिट शो कर रही है, यहाँ पे ज्यादा आया है, यहाँ पे कम आ रहा है, यहाँ पे कम आ रहा है, तो कंपैरिजन अगर मैं आपके आपके अपीयर सब्जेक्ट के साथ करूं तो इसका रिजल्ट कंपैरेटिवली बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा सा, उसका रीजन भी अकाउंटिंग, FR1 पढ़ के आते हो, IA पढ़ के आते हो तो अकाउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाता है, सही है, कॉस्टिंग है तो चले कॉस्टिंग फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे होते हैं बच्चा पास कर लेता है, ऑडिट का पर्चा लिखने का होता है ना तो वहां बच्चा थोड़ा सा लैग करता है। रीजन क्या है, एवरेज अगर हम रिजल्ट देखें तो हमारे पास ऑडिट में कोई एवरेज 33% है, FR2 कॉस्टिंग में कुछ 38%, पिछले 5-6 अटेम्प्ट का अगर मैं एवरेज करूं तो इसका रिजल्ट कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम रहा है। अच्छा, रीजन फॉर फेलियर क्या है प्यारे बच्चों, ये बड़ा जरूरी है, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन का दिख रहा है, जिस अटेम्प्ट में 55% रिजल्ट था उस अटेम्प्ट में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कितने के आए थे, 33%, इट मींस 77%, या कितना, 67% क्या 67% मार्क्स क्या आते हैं, स्ट्रेट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, ये मतलब एक एक लाइन का सवाल था और 8-8 नंबर था, एक लाइन का सवाल और 8 नंबर, ये आपको आगे दिखाऊंगा, तो बच्चा उसका रट्टा लगा के जाता था और पेपर, और फिर क्या हुआ, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कहां पे पहुंचे, 61, और वो जो ग्राफ मैंने आपको दिखाया था, ग्राफ ऑटोमेटिकली क्या आने लगा,
नीचे आने लगा। क्यों? बच्चा अब 61 सिनेरियो बेस्ड होकर लिखेगा, ये अच्छा नहीं तो 40 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करके तो बच्चा पास नहीं हो सकता। और आगे जाए कितना, और ये हुआ 10th autumn 17 की, जहां पे 14% कैफेट का रिजल्ट आया था, फ्रॉम 55% टू 14%। और रीजन क्या हुआ, क्यों फेल हुआ बच्चा, बच्चे ने अपने आप को चेंज नहीं किया, जो परसेप्शन था इस सब्जेक्ट के बारे में अभी भी वो परसेप्शन लेके चला कि सिर्फ याद कर लूंगा तो पर्चा पास हो जाएगा। सिर्फ याद करने से प्यारे बच्चों ये पर्चा पास नहीं होगा, आपने साथ में लिखना भी होगा, सीखना भी होगा, लॉजिक्स भी होंगी, लिंकिंग भी होगी, ड्राफ्टिंग भी होगी। अच्छा, और अब हुआ कुछ इस तरीके से कि ऑन एवरेज 80% ऑफ योर पेपर इज सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। क्या यहां तक बात आपके समझ आती है? 80% ऑफ योर पेपर इज सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। कैसे आते हैं सवाल में उसका भी कंपैरिजन प्यारे बच्चों आपको दिखाऊंगा, सिर्फ इसलिए ताकि हमारे पहले क्लास में हमें यह पता हो जाए कि हमने पढ़ना किस माइंड सेट से। मेरे लिए एज ए टीचर बड़ा आसान है कि मैं चैप्टर खोलूं प्रोजेक्टर पे, मैं आपके सामने पहले से डायग्राम बना के रखूं और मैं फौरन फौरन उसको उर्दू में ट्रांसलेट करूं और कोई सवाल में 4-5 घंटे के अच्छे आसान वाले आपके सामने रखो और मैं को इसका आंसर यहां से लेके यहां तक दो ब्रैकेट पर रख दो। आप सोचे इसमें आपकी कोई लर्निंग होगी, और आप कभी इस लर्निंग को चैलेंज भी नहीं कर सकते। क्यों? आपको कभी शो भी पता नहीं होगा। तो ये चीज याद रखे, अगर पढ़ा रहा हूं प्यारे बच्चों तो आपके लिए पढ़ा रहा हूं, इस चीज को याद रखिएगा। सही? अच्छा, थोड़ा सा और आगे आते हैं, थ्योरी बेस्ड। इसका ग्राफ कहां 67% था, थोड़े पहले नंबर डिटरमाइन करा, और कहां ये आ गया आपका 20, मतलब अब आपके पेपर में 15-20 नंबर किस चीज के होते हैं, थ्योरी के होते हैं, ताकि वो ये इंश्योर कर ले कि आपकी कवरेज पूरी है कि नहीं है। 80% पर्चा आपका किस तरीके का होता है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होता है। याद में बात समझ आती है? अच्छा, रीजन फॉर फेलियर, सुनिएगा मेरी बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर पहली क्लास में हमें पता चल जाएगा हम बच्चा फेल क्यों होता है, आप यकीन करें 5 महीने आपको पता होगा आपने पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। रीजन फॉर फेलियर क्या है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस किसी के ऊपर कर रहे होते हो, और ये बड़ा आसान है ऐसा टीचर के लिए कि यार इसको क्या कर लो, इसको याद कर लो। मेरी जान छूट गई भाई, अगर मैंने आपको ये बोल दिया क्या कर लो यार, इसको 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 याद कर लो, तो इट मींस मेरी जान छूट गई। मैंने टोपी किसको ट्रांसफर कर दी, मैंने आप लोगों को टोपी ट्रांसफर कर दी। अब आप लोग गधे कुत्तों की तरह बैठ के इसको याद कर रहे होंगे, रट्टा लगा रहे होंगे, जब सवाल आएगा आपको ये पता ही नहीं होगा कि लिखना क्या है। यहां तक बात समझ आती है? तो सिर्फ और सिर्फ फोकस किसके ऊपर होता है। सेकंड मसला क्या है, आएगा अब आपको पता है किसी भी कोने से कोई ना कोई सवाल पूछ लेता है, और मसला सबसे बड़ा ये कि वो सवाल फिर 2-3 नंबर का नहीं पूछता, वो 7-8 नंबर का पूछ लेता है। वो टॉपिक जो कभी टेस्ट नहीं हुआ, वो टॉपिक जो कोने में कहीं लिखा हुआ था उसके ऊपर उसने 7-8 नंबर का सवाल पूछ लिया। इनकम्प्लीट कोर्स कवरेज सबसे बड़ा मसला। तीसरा, ऑडिट के पर्चे में आपने करना क्या है, आपने ड्राफ्टिंग करनी, और अगर हम 6 महीने ड्राफ्टिंग नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, हाउ इट इज पॉसिबल कि आप पेपर में बैठ के ड्राफ्ट कर लें। कि यहां तक बात समझ आती है, सिनेरियो आज की क्लास में इंशाल्लाह सीखेंगे, एक ही सवाल होगा और उसको 3 डिफरेंट तरीकों से ड्राफ्ट कर रहे होंगे। ये आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव, आज की क्लास में इंशाल्लाह लॉजिक, लिंकिंग, ड्राफ्टिंग, इन तीनों के ऊपर काम कर रहे होंगे इंशाल्लाह। चौथी चीज, लैक ऑफ प्रैक्टिसिंग। जब आपका पेपर ही 80% सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है यार, तो आपने अपनी पूरी 4-5 महीने की तैयारी किसके ऊपर ज्यादा करनी है, आपने सिनेरियो। और अगर उसके ऊपर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो मसला क्या, वो एक चीज पड़ी भी है, उसको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन की तरीके से भी ड्राफ्ट करना सीख लिया, उसको सिनेरियो की शक्ल में भी ड्राफ्ट करना सीख लिया। सबसे बड़ा मसला, नॉट फोकसिंग ऑन द लिंकिंग, लॉजिक्स एंड, ये सबसे बड़ा मसला है। दो से सुन लें, अगर पेपर में सवाल आता है तो पेपर में सवाल स्ट्रेट ये नहीं है कि 4 पॉइंट लिख दे, 5 पॉइंट लिख दे, सवाल इस तरीके से, मैं आपने चूंकि अकाउंटिंग थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो उसका एक कंपोनेंट का आंसर आपको IFRS 15 रेवेन्यू से देना होगा, दूसरे कंपोनेंट का आंसर शायद आपको IFRS 16 लीजेस से देना होगा, तीसरा शायद आपको IAS 36 इंपेयरमेंट से देना होगा, चौथा IAS 12 शायद डेफर टैक्स से देना होगा। ऑडिट में इससे ज्यादा खतरनाक, ऑल्दो अकाउंटिंग का पेपर आपके लेवल पे इस तरह नहीं आता, ऑडिट का जब एक सवाल आता है इसके अंदर 4-5 एरियाज को वो टेस्ट कर रहा होता है, एक स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहा होगा, दूसरा भी अप्लाई हो रहा होगा, तीसरा भी अप्लाई हो रहा होगा, चौथा भी अप्लाई हो रहा होगा। तो जब तक हमें स्टैंडर्ड्स की आपस में लॉजिक और लिंकिंग नहीं पता होगी, हम कभी सवाल पिक कर ही नहीं सकेंगे, और जब सवाल पिक नहीं कर सकेंगे प्यारे बच्चों, लिख नहीं सकेंगे। हमने इस चीज की 4 महीने इंशाल्लाह प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ ICAP के पास पेपर इनफ नहीं है, कोई समझाएगा ऐसा क्यों? हाँ जी, सिर्फ ICAP के पास पेपर्स इनफ नहीं है। क्यों?
जल्दी सर, पांच पेपर आप देखेंगे तो ऑटम 17 से पहले सारा का सारा मवाद कौन सा मौजूद है, वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन मौजूद है। तो ऐसा नहीं है कि उसको क्लास में नहीं करेंगे, उसको भी क्लास में करेंगे, लेकिन जब पेपर ही 80% सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो पास पेपर में इतना मवाद आपके पास मौजूद नहीं है। तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सीपेप्सिस के सवाल करने पड़ेंगे, एसीसी के सवाल करने पड़ेंगे, आईसीएडब्ल्यू के सवाल करने पड़ेंगे, ताकि उन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर सके। याद है, बात समझ आती है बच्चों? अच्छा, आखिरी चीज लैक ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। ये मैं अपनी जिंदगी, आधी से ज्यादा जिंदगी ऑडिट फॉर्म में गुजार चुका हूँ, हर एक चीज के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मेरे पास है। जब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके सामने होगी, वो चीज आपको ताकयामत वो रिटेन रहेगी। क्या याद है, बात समझ आती है? ये कुछ रीजन है हमारे पास फेलियर के। करना क्या है मेरे भाइयों, कुछ हम कमेंट्स पढ़ लेते हैं। सेप्टेम्बर 17 कौन सी अटेम्प्ट, ऑटम 17 कितना परसेंट रिजल्ट, 14% रिजल्ट। ऑटम 17 में कितना परसेंट रिजल्ट था? The overall passing percentage in this attempt was quite poor, as only 14.7% candidates secured the passing marks, as compared to 35.8%. Majority of the students performed well in the straightforward memory-based questions, but reflected a poor skills in attempting scenario-based questions and those requiring the एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ये मैं नहीं कह रहा प्यारे बच्चों, ये कौन आपसे बात कर रहा है, ये आई कैप आपसे बात कर रहा है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? थोड़ा सा और आगे बढ़ता है। स्प्रिंग 18 द ओवरऑल परफॉर्मेंस इन दिस परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम 14 to 29, हाउएवर द परफॉर्मेंस इन द क्वेश्चन 4, 7, 8, and 9 वाज क्वाइट पुअर। अ क्लियर ऑब्जर्वेशन वाज दैट स्टूडेंट्स परफॉर्म वेल इन द स्ट्रेट फॉरवर्ड मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बट रिफ्लेक्टेड। अगले एक साल तक आगे यही बोलता रहा, यार थ्योरी तुम्हारा अच्छा जा रहा है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। पर अगर आप लॉ के एग्जामिनर कमेंट्स देखें, सेम बातें वो कहां पे कर रहा है, वो लॉ में भी कर रहा है। क्या जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस और एमसीक्यूज है, बच्चा उसको अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जहां पे लॉ के इंटरप्रिटेशन है या लॉ की लिंकिंग है या लॉ की ड्राफ्टिंग है, बच्चा उसको अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 55% तक आगे आपने पास कर दिया आपको, सही है। Performance in the paper was good as 55.2% candidates secured passing marks. Most of those who could not perform well but those who have been failing for the past, ये बहुत बड़ा मसला है, ये सबसे खतरनाक लाइन है। खुदा ना खास्ता ऑडिट एक बार फेल हो गया, अगली अटेम्प्ट में आपके लिए पास करना मुश्किल, बिकॉज सब्जेक्ट में नहीं पता चलता कि बच्चा फेल क्यों है। ये खुदा का वास्ता है, मेरी बात सुन ले। 55% तक भी जब रिजल्ट आ रहा है तब भी बच्चा फेल हो रहा है, 55% रिजल्ट आ रहा है और 3-4 बार ऑडिट पढ़ चुका है वो, उसके बावजूद बच्चा फेल हो रहा है। रीजन क्या है? वो अपना परसेप्शन, और फिर ये होगा ये किताब ले लूं, फला किताब ले लूं, फला लेक्चर ले लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। एक बार तमीज से यार, जो बंदा प्रैक्टिकल ये चीज कर रहा है उससे बैठ के अगर पढ़ लोगे, समझ लोगे, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये पर्चा आपका, और सिर्फ कैफ का पर्चा पास नहीं होगा, आगे जो पूरी सीफेफ की जर्नी और सीफेफ सेक्शन है प्यारे बच्चों, वो सुकून से गुजरेगी। क्लियर है सारे यहाँ तक? अच्छा जी, दे शुड रीथिंक देयर अप्रोच टुवर्ड्स स्टडी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू कवर द एंटायर सिलेबस। दे शुड ऑल्सो लर्न आंसरिंग द सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। दे शुड ऑल्सो लर्न आंसरिंग द सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन एज इन मेनी केसेस दे राइट द स्टेटमेंट व्हिच आर इनकरेक्ट बट आर इररिलेवेंट टू द, मतलब पॉइंट्स पूरे डिट्टो छाप रहा है लेकिन वो सवाल की रिक्वायरमेंट है नहीं। तो वही सिर्फ रट्टा लगा के पेपर जाएंगे और सवाल का ही नहीं पता आपको कौन सा ऐसा एप्लीकेबल हो रहा है। बच्चों थोड़ा सा आप यहाँ पे लैग कर जाएंगे। स्प्रिंग 19 आगे बढ़ते हैं फास्ट। ऑटम 21 35% रिजल्ट। The overall passing percentage in this attempt was 35% as compared to 41%. It was commonly observed that whether a question on analytical reasoning such as question 5 examinee failed to secure good marks in such questions, examinees are advised to give much attention to this area of syllabus, which is not only important from the exam perspective but also relevant in the context of their practical training in the audit firm. Kya ye statement samajh aata hai? ICAP ka vision kya hai? Kya chah raha hai ICAP aapse? आपको फर्म के लिए प्रिपेयर करना चाह रहा है, आपको वो कैफ की तालीम देना चाह रहा है कि जब आप फर्म लेवल पे जाएं तो आपके पास वो नॉलेज हो कि आप उसको अप्लाई कर सके। अगर वो पेपर दो, और ये कब का है, ये ऑटम 2021 का, उसके बाद दो अटैम और हो चुके हैं प्यारे बच्चों। आई कैन एक विजन लेके चले, जो एजुकेशन स्कीम चेंज होती है, ये ग्रुप में शफलिंग होती है,
इन सबके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। वो रीजन सिर्फ इतना है कि यार अच्छा बैठे भी ऑडिट फर्म के ही होते हैं ना लोग, काउंसिल वगैरह में नॉर्मली ऑडिट फर्म के ही मतलब, तो वो भी एक्सपेक्ट करते हैं बच्चा हमारे पास आ रहा है उसके पास वो टेक्निकलिटी नहीं है या वो अंडरस्टैंडिंग ऑडिट की नहीं है, तो यार आप पेपर भी इस तरीके से आप उसको बनाए। यहाँ पे बात समझ आती है? ये पढ़ते थोड़ा सा, बेटर परफॉर्मेंस वॉज ऑब्जर्व इन द क्वेश्चन एस 41 कंपेयर टू 25%, दे परफॉर्म वेल इन द क्वेश्चंस व्हिच इन्वॉल्व रोप लर्निंग वेयर एज दे स्ट्रगल इन द क्वेश्चंस व्हिच रिक्वायर्स द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। बच्चों ये खुदा का वास्ते 10-15 मिनट आप थोड़ा एक्टिव रहिएगा, ये पता चल जाएगा हमने पढ़ना कैसे, किस तरीके से पढ़ना है। क्लियर है? ये कुछ कमेंट्स है सीपैक के जून 2018 में जब 10-11% रिजल्ट आता था। थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं आई कैप सी ए फाइनल लेवल पे भी बच्चों से क्या कह रहा है। सही है? और आपके कैप का पर्चा पास है, आप एक अच्छी ऑडिट फर्म में साल डेढ़ साल दो साल की ट्रेनिंग कर चुके हैं, उसके बावजूद बच्चा आई कैप आपसे क्या कहता है? द ओवरऑल परफॉर्मेंस इन दिस अटेम्प्ट विद अ पासिंग रेशियो ऑफ 12.5% वाज स्लाइटली बेटर देन द There is a passing ratio was 11.2%. However, such a low passing percentage are a matter of concern, especially in a subject in which all the students are obtaining the extensive training. I kept कह रहा है मेरे नहीं पल्ले पड़ रहा कि फर्म में बैठ के ऑडिट कर रहे हो, ऑडिट का पर्चा ओपन लुक पॉलिसी है पर आप इस पर्चे को पास नहीं कर रहे। 11% लोग सिर्फ ये पेपर पास कर रहे हैं। अगेन पता तो 11% में से भी कितने वो होंगे जिनकी चौथी या पांचवी अटेम्प्ट होगी, पहली दूसरी अटेम्प्ट वाले बच्चे बहुत कम होते हैं प्यारे बच्चों। इसमें क्लियर है हम सारे? यहाँ पे The overall winter 2017, the overall performance that time was much below expectation. The passing percentage was only 11.2% as compared to 16% the previous attempt. The disappointing factor was that overall performance remained poor in all the questions. आप सोचें यार, आप सोचें कि 8-9 सवाल आए हुए और आपके हर सवाल में आपकी परफॉर्मेंस पूरा, आप फर्म में बैठ के गधों की तरह 1.5-2 साल काम कर चुके हैं यार, आप कैफ का ऑडिट का पर्चा पास कर चुके हैं, तो क्या मैं ये सब्जेक्ट निकल भी जाएगा प्यारे बच्चों? ये आगे जाके सब्जेक्ट आप इसने आपको बुलाना है। पूरी 3 साल की जो आपकी ट्रेनिंग है ना प्यारे बच्चों, ट्रेनिंग करता क्यों मैं? ताकि मैं कुछ पैसे कमा लूं। पैसे क्या है? पैसे कुछ भी नहीं है, मैं क्या कर लूं? मैं सीख लूं। जब सीखेंगे तभी एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकेंगे। यहां तक पास समझिए, पूरी जर्नी आपकी फटअप करेगा ये। MS7 पता है सबको क्या है? मल्टी पेपर है। क्या मल्टी पेपर है? पहला सवाल FFR का, दूसरा सवाल एडवांस ऑडिट का, तीसरा सवाल FFR और एडवांस ऑडिट का कंबाइंड। पता है ना हमें, आप एक पर्चा MS1 से पहले आप FFR एडवांस ऑडिट दोनों पढ़ के जा रहे होते हैं और ये आप पेपर दे ही सब सकते हैं जब आपका FFR भी क्लियर है और MS और ऑडिट भी, अगर ये दोनों सब्जेक्ट क्लियर है तो MS1 आपका क्या होगा? अनलॉक होगा। MS1 का देख लेते क्या करें। बेस्ट परफॉर्मेंस वाज विटनेस इन क्वेश्चन 2 व्हिच वाज मेनली बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, व्हाइल परफॉर्मेंस इन क्वेश्चन 3 The combination of financial reporting and auditing was below average and the students were found struggling in the audit areas of the बच्चों खुदा का वास्ता समझने की कोशिश करें, सब्जेक्ट के ऊपर अगर आपने फोकस नहीं करा, एक अच्छी चीज नहीं सीखी, ये MS1 तक आपकी जान नहीं छोड़ेगा। आज बैठ के अगर एक अच्छे, यार हम क्यों कहते हैं कि बच्चे की स्कूलिंग अच्छी होती है, कहते हैं ना कि अगर बच्चे की स्कूलिंग अच्छी हो तो उसके आगे की जर्नी हमेशा अच्छी है। बच्चा अच्छे स्कूल से पढ़ रहा है, एक अच्छे एनवायरनमेंट में पढ़ रहा है तो आगे पूरी उसका करियर एक अच्छा चल रहा है। कैफ को आप ये समझे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे खुदा ना खासा फकटअप हो गई चीज है, पूरा CFM6 फकटअप होना है अपना, पूरे 3 साल की आर्टिकलशिप आपके फकटअप होनी है और MS1 फकटअप होना है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? हमने इस सब्जेक्ट को पहले टाइम इंशाल्लाह कैसे पास करना है? मेमोराइजिंग द स्टैंडर्ड थ्रू लॉजिक लिंकिंग एंड, अगर एक चीज की लॉजिक पता होगी वो चीज आपको ऑटोमेटिकली याद रह जाएगी, वो मैं आज की क्लास में आपको प्रूफ करके भी दे दूंगा। क्या याद है? बात समझ आती है। दूसरा, इनकम्प्लीट कोर्स कवरेज, ये मेरा आपसे वादा है कि इंशाल्लाह 100% कोर्स कवरेज होगी और एटलीस्ट 1 महीने पहले की लास्ट बैच जो मेरा था उसमें कोर्स मेरा अलहमदुलिल्लाह 1.5 महीने पहले कंप्लीट हो गया था। ठीक है, और एक डिटेल वर्कशॉप हुआ था। लैक ऑफ ड्राफ्टिंग,
कोई एक क्लास ऐसी नहीं होगी जिसमें ड्राफ्टिंग नहीं हो रही, हर क्लास में हमारी ड्राफ्टिंग हो रही होंगी। आपके आंसर इंशाल्लाह जब आप ड्राफ्ट कर रहे होंगे तो मैं बीच में आप लोगों के आंसर इंशाल्लाह चेक कर रहा हूँ। और सिर्फ ड्राफ्टिंग नहीं, किसको ऐसे ड्राफ्ट करना है, एक ड्राफ्टिंग टेक्निक आपको बता रहा हूँ, टेक्निक समझ में आ जाएगी आप हमेशा आंसर ड्राफ्ट कर लेंगे। अगली चीज, लैक ऑफ प्रैक्टिसिंग सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। आईकैप को तो 100% पास पेपर्स होंगे ही होंगे, लेकिन जो डिफरेंट बॉडीज हैं उनके भी पास पेपर्स होंगे। हर क्लास के बाद प्यारे बच्चों आपके लिए एक क्विज होगा, हर टॉपिक के बाद उसका एक मॉक होगा, वो लाजमी दे रहा है ताकि आपकी अपनी असेसमेंट हो जाए कि आप कहाँ पे खड़े हैं और आपका वो आंसर चेक करके आपको वापस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक हो गया मेरे भाई?